हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीआर हेल्प मेट। आज मैं जिस क्रीम का आपको रिव्यू करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं, उसका नाम है इवरनेट एम। ये हमारी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन मैं आपको बता दूँ, जो कि दो सॉल्ट से मिलकर बना है, एबरकोनाजोल और एक मोमेटाजोन। ओके, इससे पहले सबसे पहले जो हमने एक क्रीम का रिव्यू किया था वो मेलरॉक्स क्रीम था, वो भी हमारी फंगल स्किन इन्फेक्शन के लिए था। ये भी हमारी फंगल स्किन इन्फेक्शन के लिए, पर ये हमारा दो सॉल्ट से मिलकर बना है। वो हमारा सिर्फ सिंगल सॉल्ट का था, उसमें जो हमारा था साइक्लोपिरॉक्स था, और इसमें हमारा क्या है एबरकोनाजोल और मोमेटाजोन। सेम वर्क करते हैं, मैं बता दूँ ये क्या वर्क करता है हमारा। इसमें जो ये क्रीम है कॉम्बिनेशन मेडिसिन की, ये जो ट्रीट करता है हमारे बहुत तरीके से फंगल स्किन इन्फेक्शन होते हैं, ये उनको ट्रीट करता है। उनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं स्किन इन्फेक्शन के, वो मैं बता दूँ। कुछ एरिया ऐसा होता है आपके स्किन का जिसमें इन्फेक्शन होने हो जाता है, जैसे रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन मतलब इचिंग खुजली होने लगती है, ऐसी बहुत मैंने स्किन इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो मैंने बता दिया, रेडनेस स्वेलिंग इचिंग, ठीक है। और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये उसके अगेंस्ट भी वर्क करता है और उनको बढ़ने नहीं देता। उसी के कारण हमारे स्किन हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। कभी देखा होगा आपने इसके जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, वहाँ पर आप लगाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी वो इंस्टेंट रिलीव करता है, पर हाँ वो वर्क जरूर करेगा, ठीक है। आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, ये एक बार में वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, उसको आपको यूज़ करते रहना होगा। और मैं बता दूँ, ये जो जिस कंपनी से है डॉक्टर रेड्डी कंपनी से है, इसका जो प्राइस है वो 260 रुपीज़ का है। इसका आपको सब्सटीट्यूट भी मिल जाएगा, वो हो सकता है कम प्राइस के साथ हो। हमारी जो लिंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक बार चेक करना, आपको ज़रूर मिल जाएगा। और जो भी आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर उसको सर्च करके आपकी हेल्प करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो क्रीम होते हैं ये डॉक्टर ही प्रेस्क्राइब करते हैं, उनके बिना सलाह के आप प्लीज़ यूज़ मत करिएगा। ये सिर्फ एक ऐड होता है जो मैंने अपने सभी वीडियो में बताया, इसमें भी बता रही हूँ, बिना डॉक्टर के एडवाइस को इसको यूज़ मत करना। और बता दूँ मैं आपको, जो इसका याद रखना, जो मैंने रेडनेस के लिए बताया, रेडनेस के लिए तो मैंने बता दिया है, जो इन्फेक्शन की वजह से रेडनेस होता है उसके लिए यूज़ तो करना ही है, और इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग या स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाती है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इचिंग, जो खुजली की प्रॉब्लम होने लगती है उस इन्फेक्शन की वजह से, उस एरिया में भी आप इसका यूज़ करके उसको आराम ला सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। पर इसको आपको बार बार यूज़ करना होगा, सिर्फ एक दिन के यूज़ में ये ठीक नहीं होने वाला है, तो ठीक है ना। और ये बिना डॉक्टर के सलाह के आप यूज़ मत करिएगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। और प्लीज़ आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, हमारे जो लिंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसको ज़रूर सर्च करिएगा, उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी उससे। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो के साथ हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, लाइक करिएगा इसको, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और जितना हो सके प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलना, हो सकता है दूसरों के लिए ये हेल्पफुल हो हमारी वीडियो। तो थैंक यू गाइज, कल मिलते हैं, बाय।